बचपन से काफी बार हम सुनते हैं कि ठंड के मौसम या सर्दी खांसी में ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए, खासकर डेली प्रोडक्ट्स खाने के लिए मना किया जाता है। इसके पीछे मेन कारण है कि आइसक्रीम खाने से बॉडी ठंडी हो जाती है, उससे रिकवरी स्लो हो जाती है। काफी लोग ऐसा भी मानते हैं कि सर्दी में आइसक्रीम खाने से कफ ज्यादा हो जाता है, पर क्या ये बात सच है? आइसक्रीम खाने से सर्दी खांसी बढ़ती है? काफी लोगों को ऐसे सवाल आते हैं, इसलिए आज के वीडियो में हम इसका जवाब आप जानेंगे। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल लिव लॉन्ग हेल्थ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हांगकांग के मेडिकल रिसर्च के अनुसार सर्दी खांसी में आइसक्रीम अवॉइड करने का कोई रीजन नहीं है। उसके सिवा कुछ रिसर्चर्स के अनुसार सर्दी में आइसक्रीम खाने से या अपने डाइट में कुछ चेंजेस करने से कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि आपकी इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को कम करता है। सर्दी खांसी में ठंडा खाने से उल्टा इफेक्ट पड़ना आपके इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों की खांसी 2 दिन में ठीक हो जाती है, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको 2 से ज्यादा हफ्ते तक खांसी या सर्दी के सिम्टम्स होते हैं। किसी भी इलनेस का टाइम पीरियड वायरस और जर्म्स के कारण अफेक्ट होता है। उसके सिवा कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण सर्दी खांसी के इन्फेक्शन जल्दी होते हैं, जैसे कि लोगों में विटामिन ए और विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने से फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं। इसीलिए साइंटिस्ट के अनुसार सर्दी खांसी में डेयरी प्रोडक्ट्स या आइसक्रीम खाने से कोई नुकसान नहीं होता है। काफी डॉक्टर्स ये भी मानते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से कफ बढ़ता है, लेकिन इस बात को सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है। जैसे हमने देखा कि सर्दी खांसी बढ़ने की वजह वायरस या इम्यून सिस्टम कमजोर होने का कारण हो सकता है। इस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते वक्त पता चला कि टॉन्सिलिट्स सर्जरी के बाद आइसक्रीम खाने के लिए बोला जाता है, लेकिन कोई भी आइसक्रीम खाने से पहले क्लियर लिक्विड पीने का एडवाइस दिया जाता है। उसके बाद आप प्लेन आइसक्रीम खा सकते हैं, चॉकलेट टॉपिंग्स और कोई और फ्लेवर का आइसक्रीम नहीं खा सकते। थ्रोट को आराम मिलने के लिए प्लेन ठंडी चीजें खाने को कहा जाता है। इस बात पर से पता चलता है कि सर्दी खांसी में आइसक्रीम खाने से नुकसान नहीं होता है, पर याद रखे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला आइसक्रीम हानिकारक होगा। तब आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है वो हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।